या क्यूटी एक बात बता, तेरा पति सोच में खराटे लेता है? अभी शादी को हफ्ता तो हुआ है, सोएगा तो पता चलेगा। भगवान। यो गाइस, का हाल बार हुआ लोगन के। पता है कल को था 1 जनवरी और मेरी मम्मी ने मुझे सुबह सुबह खतरनाक ठंडी में ये बोलकर नहला दिया कि साल के पहले दिन अगर तू नहा धोकर साफ सुथरा रहेगा ना तो पूरे साल तू इसी रूटीन को फॉलो करेगा। लेकिन आज 2 जनवरी को ना नहाकर मैंने अपना औकात दिखा ही दिया। खैर ये सभी बातें तो होती रहेंगी, लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी मर्जी है। अब तुम करते क्या हो? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। कॉल कर लो। ये भगवान क्या जुलूम है। फ्रेंड्स, तो हम आज आप लोगों को एक सच्चाई से वाकिफ कराना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ देखिए। इसमें 2 गुना मजबूत दांत लिखा है, देखिए हम कितना धोखाधड़ी में जी रहे हैं। यही कोलगेट किया है, एक भी दांत नहीं बचा इसका। यही कोलगेट किया है। ओम श्री यमुनाय नमः। ए भाई, आज पानी नहीं है, पागल बना दिया। बेटा, ससुराल उसी उसी जाए जी। सच कही पापा, हम तो मौसी के कहने पे रो रहे थे। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। से पहले अपना नाम बताओ। शोमा चौहान। तो मोए मोए वाला तो नहीं है ना? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सपोज एक बकरा है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अच्छा, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो इंडिया का तो चारा खा रहा है और पाकिस्तान का पानी पी रहा है। ठीक है, समझ गया। तो दूध किसका होगा, इंडिया का या पाकिस्तान का? गुड क्वेश्चन। भारत का। वाह दीदी, वाह दीदी। भारत का होगा। कैसे? इंडिया में ही तो वो खा रहा ना पानी, तो लेकिन वो कहीं का पी है, इंडिया में ही होगा। ओ भाई, मारो मुझे मारो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बकरा दूध दे देगा? बड़ा हरामी हो। सॉरी। डरने से क्या फायदा, एक दिन किसी को सबको मरना। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म, और बाहर आया तो चप्पल गायब। What do you want for Christmas? Mango, क्या चाहिए? I need a horse. You need a horse? Yeah. I cannot give you a horse, but I can make you a horse. Oh, I understand. You know that? Very good, beta. What do you want for Christmas, Santa? मतलब मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? I want 2 big things. This? Yeah. हो बाबा हो। अब दोना। अब चाचा। क्या देख रहे हो? We'll suit you, Khapesh. You will suit me? Yeah. I will also suit some children inside you. Meaning Tamil में मासमा एरके, तुलु में बंजी नाले, तेलुगु में पटता उंदी। अरे हिंदी में बताओ। हिंदी में गर्भवती मिंबा। घर पे हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए, गामछा क्या हुआ, हम लोग शेव करने आया है। तुम जैसे
दादा को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है भाई, मारूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, पब्लिकली मारूंगा, अकेले कभी नहीं मारूंगा। भाई साहब, ये जो 3 दिन की हड़ताल के बाद सरकार के नए आदेश किस प्रकार जारी हुए हैं? सरकार के नया नियम आ चुका है, अब अगर हमारे ट्रक से किसी की मृत्यु होती है जी जी, तो हमें 7 लाख रुपए मिलेंगे और मरने वाले के बाप को करीबन 10 साल की सजा होगी। और एक दिन में समथिंग आप कितने लोगों को मार सकते हैं? एक दिन में 2 से 3 लोगों को, मतलब 21 लाख रुपए अपन कमा सकते हैं एक दिन में। अरे तुम तो शाहिद खान हो ना, जो गंगा बनाता है। हाँ भैया, मैं वही हूँ। अरे तुम तो मुसलमान हो, तुमने अपने बाइक पे हिंदू क्यों लिखा रखा है? यार मैं धर्म धर्म में मानता नहीं हूँ, देखो मेरे लिए सारे धर्म एक है, हिंदू हो या मुसलमान, मैं सबकी बाइक चुरा लेता हूँ। अच्छी नहीं है, रुको जरा सबर करो। मैं सोचने लग गए हैं, ऐसी तो इंडिया में हो ही नहीं सकती। हाय हाय, रियल में देखा तो पता चला कि नहीं, इंडिया में भी है ऐसी। मैं इंडिया से हूं। वो तो मैंने देख लिया, अच्छे लग रहे हो भैया। देखो, सनलाइट, मूनलाइट, चांद, मतलब सब बसता है मेरे चेहरे के अंदर। एकदम कड़क माल है ना। बस हवा निकल। अरे बाप रे, मैं लड़का तो कभी नहीं बनूंगी। क्यों, लड़के इतने बुरे होते हैं? बुरे नहीं होते, उनकी लाइफ बहुत टफ होती है यार, उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जॉब पे स्ट्रगल करते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पता है उनको कमाने के लिए अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, अपना मन मार देते हैं यार वो छोटी छोटी चीजों के लिए, और मैं तो इतनी क्राय बेबी हूं ना, मैं रोती रहती हूं, और अगर मैं लड़का होती तो मैं रो ही नहीं पाती। और वैसे भी यार देखो, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं कुछ ना भी करूँ ना अपनी जिंदगी में, तो मेरी तो शादी हो जानी है, लेकिन अगर मैं लड़का होती ना तो मुझे सक्सेसफुल होना पड़ता, कमाना पड़ता, स्टैंड करना पड़ता, तभी मेरी शादी होती। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतना सब झेलने के बाद भी वो कह नहीं पाते, उन्हें चुप रहना पड़ता है, तो इसलिए लड़का होना ईजी नहीं है, तो नहीं बनना चाहती। गाइस, वीडियो का एंडिंग आ चुका है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।